हैं जिनको कोई काम करने का न अनुभव है, न काम कैसे किया जाता उसकी जानकारी है, न समाज में एकजुटता रखें इसके बारे में कोई लोगों की का विचार है, लेकिन कुछ कुछ बोलते रहते हैं। हमारे खिलाफ बोल बोल करके लोग अपना प्रचार करते रहते हैं। भाई बोलो, मेरे खिलाफ बोलते रहो, हमको इसकी कोई चिंता नहीं। शुरू से लोग बोलते रहता, हमको मालूम है मेरे खिलाफ तो कुछ लोग नाराज है ना, और नाराज इसलिए है कि हम समाज सुधार का भी काम करते हैं, और बिहार में महिलाओं की मांग पर नशाबंदी लागू करने की बात हुई तो कुछ आदमी तो गड़बड़ है ही, इधर से उधर बाया दाया तो करेगा ही, लेकिन इससे महिलाओं को कितना उत्थान मिला। तो कुछ लोगों को बड़ी चीड़ है हमसे, भाई हमको मालूम है, हमको लगता है कि जाओ जिसको जितनी चीड़ है रखो, मेरे खिलाफ जितना बोलना है बोलो, और मेरे खिलाफ बोलने से तुमको प्रचार मिलता है, प्रचार लो, हमको कोई एतराज नहीं है। हमारा तो काम है लोगों की सेवा करना, और मैंने बता दिया है मेरा तो आपकी सेवा करना ही धर्म है, और जब तक ये अवसर दीजिएगा काम करते रहेंगे और इसको और ज्यादा आगे बढ़ाते रहेंगे। तो इसलिए आप सब लोगों के बीच में हम आ गए हैं और यही अनुरोध करने आए। आई तो कोरोना के चलते जो एक स्थिति उत्पन्न हुई है उसमें कई तरह के प्रतिबंध हैं, हम तो इतना ही कहेंगे, तो दुनिया भर में फैला है और कहीं बढ़ भी रहा है, लेकिन हम लोगों ने इसके बारे में अपनी तरफ से भी और केंद्र सरकार की मदद से भी पूरा काम किया है। 10,000 करोड़ रुपया तो राज्य सरकार ने खर्चा किया, और स्थिति अब क्या है आप जान लीजिए। बिहार में जितना जांच हम लोग करवा रहे हैं 10 लाख की आबादी पर, देश में जितना जांच होता है उससे 2,500 से भी ज्यादा जांच हम लोग बिहार में कर रहे हैं, एक एक काम। और जो मरने वाली मृत्यु होती है दुनिया में तो बहुत ज्यादा प्रतिशत है मृत्यु का, भारत में कम है और अपने देश में लगभग 1.5% है, और बिहार में 0.5 आधा प्रतिशत। तो इसके लिए भी काम करते हैं हम। आप सब लोगों से प्रार्थना करेंगे कि अपना ध्यान दीजिएगा, डरने की जरूरत नहीं है लेकिन सजग रहने की जरूरत है, सचेत रहने की जरूरत है।